जिस तरीके से रख देता हूँ, और यहाँ फ्रेंड में इसे ऑन करता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड आप लोग, हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड आज की वीडियो में हम बनाएंगे इस ख़राब चार्जर का पीसीबी। आप देख सकते हो फ्रेंड, इस ख़राब पीसीबी से हम बनाएंगे फ्रेंड एम्पलीफायर, जो कि फ्रेंड बहुत ही तगड़ा एम्पलीफायर होने वाला है। तो चलिए फटाफट मैं बता दूँ इसमें से आप लोगों को क्या क्या कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे एम्पलीफायर बनाने के लिए। तो चलिए इसमें से हम फटाफट निकाल लेते हैं बाहर। तो फ्रेंड मैं बता दूँ आप लोगों को, लेना पड़ेगा एक, आप ये देख सकते हो फ्रेंड, ये ट्रांजिस्टर, ये वाला ट्रांजिस्टर हमें निकालना है फ्रेंड। इसमें थ्री लेग होगी जो बेस कलेक्टर मीटर होगा। तो चलिए फ्रेंड इसको हम ले लेंगे, इसे साइड में रखते हैं। और फ्रेंड मैं बता दूं और हमें क्या लेना है फ्रेंड, ये देख सकते हो ये कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर फ्रेंड मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये फ्रेंड 470 योग यानी माइक्रोफेरेड 10 वोल्ट का है। तो फ्रेंड ये वाला हमें ले लेना है, जो कैपेसिटर इसे ले लेना है। और फ्रेंड हमें क्या लेना है अभी बता दूँ, और फ्रेंड हमें लेना है एक 1K का रेजिस्टेंस। तो फ्रेंड देख लेते हैं, देख सकते हैं आप, ये 1K का रेजिस्टेंस है फ्रेंड, जो कि ये भी बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो चलिए इसे भी निकाल लेते हैं साइड में। तो फ्रेंड चलिए इस पीसीबी को हम साइड में रखते हैं, किसी अन्य प्रोजेक्ट में से यूज करेंगे। तो बाकी इसमें चलिए जो हमने बताया था वो निकाल लेते हैं। तो चलिए फटाफट निकाल के आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड निकाल लेते हैं हम। तो फ्रेंड ये देख सकते हो, ये हमने निकाल लिया, जो कि ट्रांजिस्टर, आप ये देख सकते हो फ्रेंड। और फ्रेंड हमें निकालना है इसका ये वाला कैपेसिटर। तो चलिए इस कैपेसिटर को भी हम निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड इस कैपेसिटर को भी हम निकाल लेंगे। तो चलिए इसको भी साइड में रखते हैं। और फ्रेंड हमें निकालना है ये 1K का रेजिस्टेंस, आप ये देख सकते हो, इसको भी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड ये भी देख सकते हो 1K का रेजिस्टेंस भी हमने निकाल लिया है। फ्रेंड अब मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, हम इस तीन कंपोनेंट से हम फ्रेंड बनाएंगे एम्पलीफायर। तो चलिए आगे आप लोगों को बताते हैं। तो चलिए इसका कनेक्शन बता देते, इसका कनेक्शन कैसे हम लोगों को करना है, ठीक है। पहले इसका कनेक्शन आप लोगों में बता देता हूँ। तो आपको ट्रांजिस्टर फ्रेंड इस साइड नहीं पकड़ना है, आपको ऐसे करना है, ठीक है। ऐसे करके फिर आप लोगों में बता दूँ कुछ इस तरीके से, इसकी पिन ऐसे कर लेना है, थोड़ा सा मोड़ लेना है, ठीक है, ताकि सोल्डिंग करने में थोड़ा सा आसानी हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से कर लेंगे। करने के बाद फ्रेंड मैं बता दूँ आप लोगों को, तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से करने के बाद फ्रेंड आपको करना क्या है, आप ये देख सकते हो, जो ये कैपेसिटर हमने ले रखा है, ये आप लोगों को मैं थोड़ा अच्छे तरीके से दिखा दूँ। ये 470 योब यानी माइक्रोफेरेड का है, और ये 10 वोल्ट का है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो फ्रेंड इसको हम कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर लगाएं, जो इसका जो माइनस वाला हिस्सा है जिसे हम पॉजिटिव बोलते हैं, इसको फ्रेंड हम इसके पिन में, पहले वाले पिन में, इस साइड से फ्रेंड हम कुछ इस तरीके से हम सोल्डिंग करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से हम सोल्डिंग कर लेंगे। और ये देख सकते हो ट्रांजिस्टर 13003 का है ये, ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हो फ्रेंड। तो फ्रेंड इसका ट्रांजिस्टर आप देख सकते हो 13003 का है, ठीक है, तीन का है, ठीक है। तो आपको यही लेना है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड आपको करना क्या है, आपको 1K का रेजिस्टेंस, ये वाला आप देख सकते हो, इसको फ्रेंड हम इसके इस वाले पिन पे हम सोल्डिंग करेंगे, ठीक है, इस वाले पिन पे, ठीक है। तो चलिए करके दिखाते हैं आप लोग को। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से हम सोल्डिंग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कनेक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो फ्रेंड कमेंट में आप पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर आप देख सकते हो फ्रेंड। तो चलिए अब आगे का कनेक्शन करते हैं। तो फ्रेंड हमें एक लेना पड़ेगा ईयरफोन, जो कि ईयरफोन मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये वाला ईयरफोन आप ये देख सकते हो फ्रेंड, ये वाला ईयरफोन को आप लोगों को कट कर लेना, जैसा मैंने कट कर लिया है। और जो ये आप देख सकते हो, इसका जैसे मैंने कनेक्शन किया है, जो ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, ठीक है। तो इसका प्लस और माइनस वाला मैं बता दूं आप लोगों को कैसे करना है। तो फ्रेंड इसका जो प्लस वाला रेड आप ये देख सकते हो, इसको फ्रेंड हम इसके माइनस वाले में साइड, सॉरी इस वाले प्लस में हम लगाएंगे, ठीक है। ये तो माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो प्लस वाले में हम लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए लगा हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो फ्रेंड ये देख सकते हो, जो हमारा ईयरफोन से जो आया हुआ है, ये जो पिन से प्लस वाला मैंने इसमें लगा दिया है रेड वाला, और जो ये सिल्वर कलर का देख सकते हो मैंने ट्रांजिस्टर में लगा दिया, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड अब इसके स्पीकर की हम सोल्डिंग करते हैं, तो स्पीकर की भी बता दूंगा कनेक्शन कैसे करना है। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं।
तो फ्रेंड स्पीकर का हम एक वायर इसके ट्रांजिस्टर के बीच वाली लेग में लगाएंगे, और एक फ्रेंड ये हम जो 1 के का रेजिस्टेंस लगा रखे हैं इसमें हम लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फ्रेंड ये देख सकते हो मैंने स्पीकर का कनेक्शन कर दिया है, चाहे तो आप इससे बड़ा भी स्पीकर ले सकते हो, लेकिन फिलहाल फ्रेंड ये स्पीकर बहुत ही इसके अंदर बेस है, बहुत ही ज़्यादा मतलब ये आवाज़ करेगा। तो फ्रेंड ये देख सकते हो इसका कनेक्शन मैंने कर दिया है बिल्कुल, आप ये देख सकते हो ट्रांजिस्टर के बीच वाली लेग से, और 1 के का रेजिस्टेंस जो लगा रखा हूँ एक वायर मैंने इसका इसमें लगा दिया। ठीक फ्रेंड, इसमें कोई सा भी वायर आप कहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक फ्रेंड, और ये देख सकते हो फ्रेंड आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो, इसका कनेक्शन बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो चलिए इसका हम बैटरी का कनेक्शन कर लेते हैं। तो फटाफट बैटरी का कनेक्शन करके तो फ्रेंड इसका कनेक्शन मैं बता दूँ, जो हमारा ये बैटरी आप ये देख सकते हो 2200 mAh की है। ठीक फ्रेंड, ये 18650 की लिथियम बैटरी है, ये आपको मार्केट में मिल जाएगी। ठीक फ्रेंड, ये बैटरी बहुत पावरफुल होती है और बहुत ही अच्छा बैकअप देगी, बहुत देर तक ये चलेगा। ठीक फ्रेंड, तो चलिए इसका मैं कनेक्शन बता दूँ आप लोगों को कैसे करना है। तो फ्रेंड इसका जो 1 के का रेजिस्टेंस देख सकते हो इसका फ्रेंड ये प्लस वाला इसमें हम लगाएंगे इस वाले में। ठीक है, और इसका जो माइनस है इसके जो ट्रांजिस्टर की जो तीसरी वाली लेग है इसमें। ठीक है, चलिए लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ फिर आगे बताता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड ये देख सकते हो मैंने कनेक्शन जैसा कि आप लोगों को बता दिया इसका कनेक्शन कर दिया है, जो बैटरी का माइनस था इसके रेजिस्टेंस वाले में मैंने लगा दिया, और इसका जो प्लस था जो ट्रांजिस्टर हमारा था इस वाले थर्ड वाली लेग में इसमें मैंने लगा दिया। ठीक है, तो कनेक्शन आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो फ्रेंड आप कमेंट में आप ज़रूर पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं फटाफट। फ्रेंड आप इससे बड़ा भी स्पीकर ले सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं इतना छोटा लिया, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल है। तो चलिए इसकी टेस्टिंग हम कर लेते हैं। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से हम इससे रखते हैं साइड में, और फ्रेंड चलिए इसकी हम टेस्टिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड चलिए लगा लेते हैं। तो फ्रेंड मैं कॉपीराइट फ्री म्यूजिक लगाऊंगा, तो इसमें आप लोगों को तो समझ में आ जाएगा। तो ये देख सकते हो ये वाला मैं यहाँ पे इसे कनेक्ट करूँगा। तो फ्रेंड ये कनेक्ट हो गया है, तो चलिए यहाँ से मैं इसको प्ले करता हूँ। इसको मैं थोड़ा अच्छे तरीके से रखने की कोशिश करूँगा फ्रेंड, ताकि आप लोगों को समझ में आए, एक भी पार्ट आप मिस ना हो पाए आप लोगों का। ठीक है, तो ये यहाँ से आप देख सकते हो। तो चलिए यहाँ से मैं इसको ऑन करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से इसको जिस तरीके से रख देता हूँ, और यहाँ फ्रेंड में इसे ऑन करता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे रही होगी, बहुत ही फ्रेंड अच्छा इसका साउंड है। ठीक फ्रेंड, जैसा कि आप ये सुन सकते हो। तो फ्रेंड इसे मैं बंद कर देता हूँ, देख सकते हो फ्रेंड इसकी आवाज़ चली गई, और चलिए इसे चालू कर देता हूँ। तो फ्रेंड बहुत ही इसकी अच्छी आवाज़ है, तो चलिए मैं इसे पास से दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ से मैं ऑन करता हूँ और आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करूँगा फ्रेंड। फ्रेंड इसकी मैं थोड़ी आवाज़ बढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड बहुत ही अच्छा साउंड है। ठीक फ्रेंड, आप घर में आराम से बजा सकते हो फ्रेंड, इसका कनेक्शन आप देख सकते हो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो।